आप दूर से सिंडी का घर पहचान सकते हैं। इसमें सभी चीजें बहुत प्यारी हैं। मुझे क्या करना चाहिए? कॉफी पिए? शानदार आइडिया, मैं अपने कुत्ते के साथ खेलूंगी। अच्छे बच्चे टेडी। डॉग एक आइडिया लाया कि क्या करे। खिलौने से भरी अलमारी, उप्स, गलत दरवाजा। बेचारी लड़की कपड़ों में ढक गई। कोई बात नहीं, चलो इसे एक आउटफिट बनाए। खूबसूरत गुलाबी कपड़ा और एक लाइट ट्यूल। टेडी एक सुई लेकर आया। ट्यूल को ऐसे टाइट करें। प्यारे हार्ट्स। चलो कपड़े के पैचेस को बड़े फोल्ड में बदले। और फ्लफी पॉम पॉम वैनिला आइसक्रीम की तरह लग रही है। ब्लाउज को बो से सजाए। अगर ठंड हो जाए तो उस केस में हमारे पास नकली फर से बना एक छोटा फर कोट है। लेसी रिबन और पर्ल्स स्लीव्स को सजाएंगे। स्ट्रेची स्टॉकिंग लुक को पूरा करेगी। जूतों पर मुलायम बनियन लगाएं, इन्हें चमकीली से ढकें। अब बेहतर है आंखों के रूप में बीड्स और दिल के आकार की नाक। मिनिएचर कैंडीज वाले वो बहुत प्यारे हैं। सैंडी की चीजों के लिए काफी कम जगह है। उसे शॉपिंग बहुत पसंद है। टेडी, बच्चे, क्या तुम मुझे तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो? कुत्ते को उसके जूते लाने में हमेशा खुशी मिलती है। ये बनीज स्टफ्ड एनिमल्स जैसे लग रहे हैं। जुराबे, हाई हील्स शूज पहने। ओह, आखिरकार मैं तैयार हूँ। कैरी सैंडी से बिल्कुल अलग है। उसे हट के दिखना बहुत पसंद है। चलो मैश स्लीव से शुरू करें। चार टुकड़ों से क्रॉप टॉप बन जाएगा और नकली लेदर से बनी स्कर्ट लुक को और भी एजी बना देगी। बस एक्सेसरीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, एक बेल्ट, रिंग और चेन शानदार डिटेल्स है। काली और सफेद स्टॉकिंग जूतों से मैच हो रही है। ब्राइट बाल, एक मोनोक्रोम लुक और अनोखा मेकअप। कैरी अभी से सो रही है और शायद उसे बुरे सपने आ रहे हैं। उप्स, लगता है टेरेंटुला दोबारा टैंक से निकलकर भाग गया। वो उस पर चढ़ गया। वो बस उसे जगाना चाहता था। असल में वो दोस्त है। गुड मॉर्निंग दोस्त, तुमने मुझे जगा दिया। शुक्रिया, आज बहुत जरूरी दिन है। जाहिर है पंक गर्ल एक बड़े से स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही है। घर जाओ बच्चे और मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी, अगर वो आना भूल गए हो तो। हे सू, मैं तुम्हें कुछ गाने डेडिकेट करूंगी। एक बिजी दिन के बाद हमारी फैशनिस्टा थक गई है। ये झपकी लेने का बिल्कुल सही समय है। स्लीपिंग मास्क पहने और सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। सिंडी सपना देख रही है कि वो बादलों के बीच उड़ रही है। यहाँ बहुत रोशनी और काफी शानदार माहौल है और उसकी मनपसंद कैंडी छोटे प्लांट की तरह इधर उधर उड़ रही है। जागने के बाद वो इतनी इंस्पायर थी कि उसने एक स्वीट हेयर स्टाइल बनाने का सोचा। ये एक्सपेरिमेंट का समय है। तितलियों वाले हेयर टाइज लगाए। ओह, यहाँ बहुत सारी मीठी चीजें हैं। डोनट्स, पाइस, केक, स्प्रिंकल्स, कुकीज, स्वादिष्ट। सिंडी अपने बाल ठीक करने के लिए वैनिटी टेबल के आगे बैठी। वाह, एक फैशन कोर्स। मैं ये ग्लास इयररिंग्स पहनकर देखूंगी और ये बहुत जच रहे हैं। पंक गर्ल को अपनी बॉडी सजाना बहुत पसंद है। आज वो अपनी दोस्त के टैटू शॉप में आई है। हाय। ओह कैरी, आज तुम क्या बनवाना चाहोगी? मुझे कुछ ऐसा चाहिए। और ये टैटू आर्टिस्ट ने अपने हाथ साफ किए और काम करना शुरू किया। उसके कानों में पेंस डाले और लिप और आईब्रोज में नकली पियर्सिंग लगाए। बढ़िया, हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। और अब नकली टैटू के बारे। कैरीज को सिंपल चीजें बहुत पसंद है। उसने अपनी त्वचा पर सुंदर स्टार्स लगवाए। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया, दोबारा जल्द आना। हम एक पुराने हेडबैंड से आरामदायक बैग बना सकते हैं। पीस को सही से काटें, आधा फोल्ड करें और जिपर चिपकाएं। ये पर्स कंधों पर लगे चेन्स के साथ लाजवाब लग रहा है। सिंडी टहलने जा रही है। मैं पूरी तरह भूल गई थी कि मैंने अपना पर्स कहाँ रख दिया। ये रहा,
ये उसकी पसंदीदा एक्सेसरी है। जाहिर है आप इसमें अपनी सारी जरूरी चीजें रख सकते हैं, एक कैमरा, कुछ रोलर स्केट्स और जाहिर है उसका पसंदीदा कुत्ता। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आ रही हूँ। चुपा चुप की एक प्लास्टिक स्टिक को एक लिपस्टिक केस में बदले, अंदर एक टूथपिक रखें और इसे काला पेंट करें। पैकेट चमक रहा है। कैरी बाहर जाकर धूम मचाने के लिए लगभग तैयार है। हर एक डिटेल शानदार है और काली लिपस्टिक लुक को पूरा कर लेगी। ओह ये बिल्कुल सही रंग है। किसी को भी पुराने जूते पहनना नहीं पसंद, पर आप इन्हें पहनकर इधर उधर राइड कर सकते हैं। जूतों को सिल्वर चमकीली से ढकें। स्केट्स पर पॉम पॉम्स और बोज लगे होना सिंडी का स्टाइल है। टांगों पर सैटन रिबन बांधे, बहुत खूबसूरत, जैसे कि पहियों वाले बैलेट शूज हो। सिंडी बहुत प्रोफेशनल है। जब वो स्केटिंग कर रही है तो ऐसा लगता है जैसे वो नाच रही है। उसके मूवमेंट्स हल्के हैं पर एथलेटिक हैं। ओह ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सिंडी ने अपना स्कूटर लिया, गैस को हिट किया और अपनी पसंदीदा पार्क में चली गई। वहाँ स्केट करने के लिए शानदार जगह है। सिंडी रोलर स्केट्स पहनने के लिए बैठी। क्या उन्होंने नई सड़कें बनाई है? ये शानदार है, मैं बहुत सारे ट्रिक्स कर सकती हूँ। कुत्तों को भी फ्लैट सरफेस पर स्लाइड करना पसंद है। सभी खुश हैं। चलो अब ये पुराना नकली लेदर कोट फेंकते नहीं है। कैरी कब से एक नया बैकपैक लेना चाहती थी, अब उसका सपना सच होने वाला है। कंदू के पास दो स्ट्रैप और बैकपैक तैयार है। स्टड्स मुझे भीड़ को अवॉइड करने में मदद करते हैं। बस में लोग अपनी सीट तक छोड़ देते हैं। कैरी पंचिंग बैग पर अपनी मूव्स की प्रैक्टिस कर रही है। वो ट्रेनिंग में इतनी मगन थी कि वो अपने कॉन्सर्ट के बारे में भूल गई। मेरा बैकपैक कहाँ है? कमरे में बहुत गंद पड़ा हुआ है, हर जगह सामान ही सामान है, पर अपना बैकपैक कैसे ढूंढूं? सोफे के नीचे नहीं है, अलमारी में भी नहीं है। स्पाइडर क्या तुमने उसे देखा? आउच, मैंने स्टड्स को हाथ लगा दिया। वार्म अप करने के लिए कुछ कॉर्ड्स और फ्यूचर रॉक स्टार मशहूर होने के लिए तैयार है। सिंडी इतनी मगन हो गई कि वो अपने दोस्त से टकरा गई। मुझे माफ कर दो, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ बस थोड़ा सा लगा। दोस्त इस प्यारी लड़की को सरप्राइज देना चाहता है, वो उसके लिए एक सॉफ्ट टेडी लाया है। शुक्रिया, अब मेरा घुटना बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा। वुडन स्कीवर्स के टुकड़े काटे, रिबन लपेटे और एक बो बांधे। सॉफ्ट पर कॉटन कैंडी जैसा लग रहा है। मीठे के शौकीन के लिए स्ट्रॉबेरी के बादल और वैनिला कॉटन कैंडी परफेक्ट है। आप पार्क में कॉटन कैंडी खरीद सकते हैं। आप ये लेने से मना कैसे कर सकते हैं? कॉलिन ने दो ऑर्डर किए, ये पक्का सिंडी का मूड बढ़िया कर देगा। आपका ऑर्डर तैयार है। कॉलिन ने इस शानदार डिजर्ट के लिए वेंडर को शुक्रिया कहा। अब मैं सिंडी को दे सकता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। स्नैक हमेशा अच्छा लगता है और अगर आप इन्हें सही लोगों के साथ शेयर करें। वेनियर टुकड़े गिटार बनेंगे। केस को नीला, फिंगरबोर्ड और साइड्स को ग्रे पेंट करें। कोनों पर करें, इसे सूखने के लिए छोड़ दें और चेन वाले स्ट्रैप पर लटका दें। ये गिटार सबसे बढ़िया मॉडल्स में से एक है। एम्पलीफायर गाने को इतना तेज बजाएगा कि तकरीबन पूरे शहर में आवाज सुनाई देगी। म्यूजिक स्टोर में आना बहुत बढ़िया लगता है, पर यहाँ हमेशा शोर रहता है। हमारी पंक गर्ल ने सबसे कूल गिटार चुना। ये वाला देखो, हाँ ये वही है। आप यही पर आवाज चेक कर सकते हैं। तुम सचमुच टैलेंटेड हो और गिटार ये जताने में तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया, मुझे अभी साथ की जरूरत है, मैं ये लूंगी। डील। एक पुरानी कीचेन को प्रोफेशनल कैमरा में बदले, इसे गुलाबी पेंट करें। हमें सिर्फ आउटलाइन बनानी है और कैमरा को स्ट्रैप पर टांग दें। और कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है। ये सभी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। अपने हाथ ऊपर करो, अब थोड़े असली म्यूजिक की बारी है। कैरी अपना सबसे हिट गाना गा रही है, ये लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। सभी साथ में गा रहे हैं। सिंडी और उसका दोस्त कॉन्सर्ट पर आए, वो गुलाबी कैमरा पर सभी जरूरी मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहती है। लगता है उसे सारे मिल रहे हैं और वो उसके सबसे बड़े फैंस हैं। रंग चुने और क्ले बीड्स को भूंदे,
इन पर शुगरिंग ग्लिटर छिड़कें और इन्हें फिलिंग से कवर करें। मैक्रॉन्स शानदार है, लगता है जैसे ये फ्रेंच पेस्ट्री शॉप से आए हो। ये ऐसी पैकिंग में और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। सिंडी बैठकर मैक्रॉन्स खा रही है और कॉन्सर्ट के सबसे बेहतरीन पलों को याद कर रही है। ओह सिंडी, क्या मैं एक मैक्रॉन ले सकती हूँ? जरूर। कैरी, तुम कुछ तस्वीरें भी देख सकती हो, हम इसमें बहने लग रही है। लड़कियाँ तस्वीरें देखने में इतनी मस्त हो गयी की वो मैक्रॉन्स को भूल ही गयी। आपको कौन ज्यादा पसंद आया, पंक गर्ल या स्वीट गर्ल? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें।